आज के मुख्य समाचार। नक्सलियों के प्रेशर आईडी बम की चपेट में आने से दो जवान हुए घायल, बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर। देव उट्टी एकादशी पर बाजार पटा गन्नों से, गुरुवार 23 नवंबर को शुरू हो जाएंगे सभी शुभ कार्य। कार में भारी मात्रा में अवैध रूप से शराब का परिवहन करते दो आरोपी गिरफ्तार, हजारों रुपए के अंग्रेजी शराब किए गए बरामद। और मोतियाबिंद से निजात दिलाने जिले भर में चलाए जाएंगे विशेष अभियान। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय वीडी फार्मास्यूटिकल्स, जर्नी टुवर्ड्स हेल्थ। बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दंतेवाड़ा में नक्सलियों द्वारा जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाए गए प्रेशर आईईडी बम की चपेट में आने से दो जवान घायल हो गए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके रायपुर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बस्तर फाइटर के जवान अरनपुर क्षेत्र के सर्चिंग के लिए निकले थे और वापसी के दौरान कमारगुड़ा के पास जवानों का पैर नक्सलियों द्वारा प्लांट किए गए प्रेशर आईडी बम के ऊपर पड़ गया। इसके बाद आईडी बम ब्लास्ट हो गया। बम ब्लास्ट होने से बस्तर फाइटर के दोनों जवान घायल हो गए हैं, जिन्हें पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद घायल जवानों के बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले से सटे ओडिशा के मलकानगिरी के जंगलों में सर्च के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए हैं। ये विस्फोटक नक्सलियों द्वारा डंप किए बताए जा रहे हैं। विस्फोटक ओडिशा की डीवीएफ और एसओजी की संयुक्त टीम ने बरामद किया है। बताया जा रहा है कि नक्सली बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। डीवीएफ और एसओजी की टीम को मौके से 12 बोर की बंदूक, 150 नग जिलेटिन स्टिक, 13 कोडेक्स वायर, 10 किलोग्राम वजनी एक आईईडी बम और 7 किलोग्राम वजनी एक आईडी के साथ ही कुल 13 आईईडी बम मिले हैं। विस्फोटकों की बरामदगी ऐसे वक्त में हुई है जब राज्य में 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में वोटों की गिनती होनी है। बताया जा रहा है कि इलाके तक फोर्स ना पहुंचे, इसके लिए नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाने के लिए स्पाइक होल भी बना रखे थे, लेकिन जवानों की किस्मत अच्छी निकली कि किसी जवान का पैर स्पाइक होल की चपेट में नहीं आया और जवानों ने नक्सलियों का पूरा डंप गोला बारूद बरामद कर लिया। हर जरूरतमंद व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले, यह शासन प्रशासन का प्रमुख लक्ष्य रहा है। इसी के तहत बस्तर जिले में नेत्र से संबंधित बीमारी मोतियाबिंद से जिले को निजात दिलाने के लिए 23 नवंबर से पुनः सघन सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बस्तर जिले को मोतियाबिंद मुक्त जिला बनाने हेतु विशेष प्रयास करने के साथ साथ नेत्र चिकित्सा के लिए विशेष अस्पताल की सुविधाएं मरीजों को जरूरत के अनुसार मिलने हेतु निर्देशित किया है। कलेक्टर के निर्देश पर पूर्व में किए गए सघन सर्वे अभियान की तरह पुनः 23 नवंबर से 30 नवंबर 2023 से सघन मोतियाबिंद सर्वे अभियान किया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के समस्त कार्यकर्ताओं एवं मितानिनों को सघन सर्वे अभियान प्रारंभ कर नियमित रिपोर्टिंग करने के साथ ही संभावित मरीजों का सत्यापन कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल डिमरापाल एवं जिला महारानी अस्पताल में स्थित अंबक अस्पताल में ऑपरेशन करवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ऑपरेशन के लिए मरीजों को लाने और घर तक पहुंचाने हेतु आवागमन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। जिले में 23 से 30 नवंबर 2023 तक घर घर जाकर स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं मितानिनों के द्वारा सघन मोतियाबिंद सर्वे अभियान और आयुष्मान कार्ड बनाने से छूट गए व्यक्तियों का सर्वे भी किया जाना है। शहर के श्री अयप्पा मंदिर में लगातार 41 दिनों तक पूजा अर्चना की जा रही है। मंडल पूजा के दौरान श्री अयप्पा मंदिर में भव्य पूजन का आयोजन किया गया। पंडितों ने मंत्र उच्चारण के साथ शाम को पूजा अर्चना की। इस पावन अवसर पर परिसर में दीप प्रज्वलित किए गए, जिसे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। पूजन समारोह की जानकारी देते हुए बताया गया कि मंडल पूजा के अवसर पर 41 दिनों तक लगातार पूजा की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार और बुधवार को भी पूजा हुई। मकर संक्रांति के अवसर पर पूजा की समाप्ति होगी, तब तक ये पूजा अनवरत जारी रहेगी। शाम को शुरू हुई पूजा के दौरान सर्वप्रथम मंदिर परिसर में आरती की गई, जिसके बाद उपस्थित भक्तों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ भजन गाए। देर शाम तक मंदिर परिसर में भी अय्यप्पा भगवान के बाद एक कई भजन प्रस्तुत किए गए। इस अनुष्ठान में शामिल होने के लिए शाम होने के साथ ही समाज के लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है। वहीं दक्षिण भारतीय लोगों में इस अनुष्ठान का विशेष महत्व होता है। इस पूजा में दक्षिण भारतीय पारंपरिक वाद्य यंत्रों से मंत्रों का जाप खास होता है। गुरुवार को देव उठनी एकादशी है। देव उठनी एकादशी पर गन्ने खूब बिकते हैं।
जगदलपुर शहर में देव उठनी एकादशी के ठीक एक दिन पहले बुधवार को सिरासर चौक के अलावा अन्य जगहों में शहर गन्नों से पटा हुआ दिखा। देव उठनी एकादशी पर देव पूजन के दौरान गन्नों से मंडप को सजाया जाता है। इस एकादशी पर गन्ने की पूजा विशेष रूप से की जाती है, इसीलिए गन्ना खरीदने लोगों की भीड़ दिखाई पड़ी। गन्ने का कारोबार करने वाले विक्रेताओं ने इस बार गन्ने के रेट भी बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा अन्य पूजन सामग्रियों से भी शहर में रौनक देखने को मिली। पेश है रिपोर्ट। देवउठनी एकादशी 23 नवंबर गुरुवार को मनाई जाएगी। ये त्योहार हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इसे प्रबोधनी एकादशी और देव उठनी ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व में गन्ने का विशेष महत्व है। इस दिन तुलसी और भगवान विष्णु का विवाह गन्ने मंडप के नीचे किया जाता है। त्योहार के एक दिन पहले गन्ने के विक्रेता जगदलपुर शहर पहुंच चुके हैं। सिरासर चौक में गन्ने की बिक्री कर रहे एक विक्रेता ने बताया कि इस बार भी गन्ने का दाम बढ़ा है। मेरा नाम अनंत राम है, मैं सुशन पालता हूँ। जी जी, कैसे आए हैं आप लोग? ये गन्ना बेचने आए हैं। कैसे कैसे बेच रहे हैं? जोड़ा जोड़ी बेच रहे हैं, जोड़ी 100 बेच रहे हैं। जी जी, कितने वो कब से आए हैं यहाँ पे आप लोग? आज ही से, तो रात से आए। बिक्री कैसा हो रहा है? आज तो थोड़ा कम हो रहा है, कल एकादशी है तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। पिछले साल और इस साल में कितना फर्क है रेट में? रेट में थोड़ा ज़्यादा है पिछले साल से। उत्पादन कम हुआ है क्या? हाँ, उत्पादन कम है। आषाढ़ माह में देव शयनी एकादशी से लेकर चातुर्मास तक देवता शयन में रहते हैं। उसके बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन से चातुर्मास का समापन होता है, क्योंकि भगवान विष्णु शयन निद्रा से बाहर आ जाते हैं। 23 नवंबर गुरुवार से शुभ कार्य आरंभ हो जाएंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। मैं भावेश जैन, जगदलपुर, बस्तर में रहता हूँ। जी, कैसे आए थे संजय मार्केट? गन्ना खरीदने आया था, कल एकादशी त्यौहार है, इसके वजह से। कैसे है रेट इस बार? रेट तो पिछले साल से बढ़ा हुआ है इस बार। मैं प्रदीप कुमार कश्यप, धर्मपुरा वासी। जी, कैसे आए थे भैया यहाँ पे? बस ये एकादशी की खरीदारी भी है, कांदा है, गन्ना है और बाकी चीज़ें हैं। पिछले साल से सस्ता है, महंगा इस बार? बराबर ही है भैया, वैसा ही है, मिला जुला है। जी जी जी, ठीक है। वर्तमान समय में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। खेल के क्षेत्र में भी बस्तर की बालिकाओं ने बस्तर का नाम कई बार रोशन किया है। इसी श्रृंखला में महिला अंडर 23 T20 ट्रॉफी छत्तीसगढ़ की टीम में महक नायक का चयन हो गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित महिला अंडर 23 T20 ट्रॉफी हेतु बस्तर की महक नायक का चयन हो गया है। महक ने अपने शानदार प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को प्रभावित कर दिया। महक दायहाथ की बल्लेबाज होने के साथ मध्यम गति की तेज गेंदबाज है। महक रायपुर में टीम के साथ जुड़ गई है, जहां टीम का कैंप लगाया गया है। प्रतियोगिता 10 दिसंबर से प्रारंभ हो रही है। छत्तीसगढ़ का मैच दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, गुजरात, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के साथ होना तय है। यह प्रतियोगिता मुंबई में खेला जाएगा। महक के चयन होने पर जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारी, सदस्य, खिलाड़ियों ने हर्ष व्याप्त करते हुए बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। हमारे बस्तर में बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और लगातार वे अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। यही कारण है कि वे अपना स्थान राज्य की टीम में बना रहे हैं। आने वाले समय में हमारे बहुत से खिलाड़ी छत्तीसगढ़ टीम में खेलते दिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक समय था जब बस्तर को लाल आतंकियों के नाम से जाना जाता था, लेकिन समय के साथ साथ बस्तर पूरी तरह बदल चुकी है और यहाँ के जो बच्चे हैं, महिलाएं और पुरुष जो है, नए नए आयाम को छू रहे हैं। इसी क्रम में बस्तर से एक नई बात निकल कर आई है, जो बस्तर वासियों के लिए एक शुभ संदेश है। और बस्तर की बेटी इस वक्त छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ में उसका सिलेक्शन हुआ है। हम उनके पिता के पास बैठे हैं, आइए इस बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। परिचय दीजिए। मैं नवीन कुमार नायक, जगदलपुर, बस्तर से। मेरी पुत्री लगभग 8-10 सालों से खेल रही है। महक नायक, उनका अंडर 16 से अभी 23 तक वो अपनी प्रतिभा क्रिकेट खेल के द्वारा और स्टेट प्लेयर रही है, और अभी उसका सिलेक्शन हुआ है। अभी 21 को उनका रायपुर में जाना हुआ, कल की बात है।
और मेरे ख्याल से मुंबई में सारे स्टेट के, दिल्ली वगैरह और भी, चंडीगढ़ वगैरह और भी अलग स्टेट के प्लेयर्स और उनके साथ मैच है उनका। एक लगभग दिसंबर के 10 तारीख से 21 तक चलेगा उनका मैच वहाँ। और महक जो है ये जो क्रिकेट खेलना चालू किए कब से किए और क्या उम्मीद रखते हैं आप, क्या चाहते हैं उससे, कहाँ तक खेले क्या? हम यही चाहते हैं कि बस्तर की बेटी है और बस्तर से निकली है तो बस्तर के लिए बस्तर का नाम रोशन करे, क्योंकि यहाँ तो आप सभी, हम सभी लोग बस्तर को सिर्फ एक ही नाम से जानते हैं कि नक्सलवादी से, नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र है। और यहाँ से यदि कोई खेल या कोई चीज़ आगे निकल रहा है तो उसे हमें सपोर्ट करना चाहिए। और यहाँ के आम नागरिकों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी बच्चों और बेटियों और सभी को सपोर्ट करें, खेल के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वो ऐसे मुकाम में पहुँचे देश के लिए खेलें। महक इस मुकाम तक पहुँचने लिए कितने मेहनत करती है और कितने घंटे प्रैक्टिस करती है, इसके लिए आपका क्या योगदान रहता है, इसके साथ क्या रहता है? वो अपने कम ही उम्र से खेलना चालू कर दी थी, 8 साल की थी तभी से अपने दादा के साथ ग्राउंड में जाया करती थी। और उसके बाद हमारे पिताजी के गुजर जाने के बाद उसका पूरा ध्यान मैं ही दिया हूँ, ग्राउंड में खेलने से लेके उसके हर चीज़ को ध्यान देना। और बाकी तो और भी उनके मतलब सिखाने के लिए कोच हैं यहाँ, जो यहाँ बस्तर में सिखाते हैं, मैं उनका नाम तो एकदम जानता नहीं हूँ अच्छे से, बट उनको सब कोई सपोर्ट करते हैं प्लेयर। क्या लगता है, क्या मतलब किस तरह से बचपन में आपको कब ऐसा महसूस लगा कि ये आगे खेल सकती है, क्या लग रहा था? नहीं, उनका तो एक मतलब टारगेट बना के रखे हुए हैं कि मेरे को स्पोर्ट्स में मतलब क्रिकेट ही खेलना है। तो शुरू से ही वो घर में भी जैसे किसी पेड़ में अपना रस्सी से बॉल को लटका के प्रैक्टिस करते रहना, और उसका रुचि क्रिकेट में देख के ऐसा लगा कि अब उसको क्रिकेट ही में अपने को सपोर्ट करना है, प्रोत्साहित करना है, इसलिए अब देश के लिए खेल। जैसा कि अभी उनके पिता ने उनके बारे में बताया कि कहा जाता है, कहा हुआ था कि पुत के पाँव जो है पालने में ही दिखते हैं, इसी प्रकार बचपन से ही जो उसका जो एक खेलने का इंटरेस्ट है उसे देखते हुए आज इस मुकाम पर पहुंच चुकी है। बस्तर वासी और बस्तर के लिए फख्र की बात है और बस्तर की बेटी आगे नाम रोशन करे ऐसा उम्मीद है। और बस्तर के बात के लिए सतीश साहू, जगदलपुर, बस्तर। जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह का आयोजन फरवरी मार्च में आयोजित किया जाएगा, इसके लिए महिला और बाल विकास विभाग तैयारी में जुट गया है। विवाह के लिए अब मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत गरीब और निर्धन बेटियों के द्वारा बेटियों के हाथ पीले करने के लिए प्रदेश सरकार ने योजना की राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी है। यही वजह है कि अब गरीब कन्याओं के विवाह में काफ़ी सारी सुविधाएं बढ़ने वाली है। अब विवाह के अवसर पर प्रत्येक कन्या के लिए बैंक ड्राफ्ट और अन्य उपहार दिए जाने की भी जानकारी मिली है। वर्तमान में बस्तर ज़िले में कुल 340 कन्यादान का लक्ष्य मिला है। बताया गया है कि प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाए गए राशि में 21,000 रुपये की राशि नवविवाहित बेटियों के बैंक खाते में और बैंक ड्राफ्ट के रूप में दी जाएगी। कार में भारी मात्रा में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब का परिवहन करते दो आरोपियों को बस्तर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा राज्य से अंतर्राज्यीय मार्ग से होने वाली अवैध वस्तुओं की तस्करी की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा कार्यवाही की गतिविधियां तेज कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में खपाने के लिए बड़ी संख्या में शराब का परिवहन आरोपियों द्वारा किया जाता रहा है। नगरनार पुलिस के साथ मुखबिर की सूचना पर थाना नगरनार क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में रेलवे फाटक चौकावाड़ा पर नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहन को रुकवाने का प्रयास किया गया, जो वाहन चालक के द्वारा गाड़ी को बिना रोके गाड़ी सहित भागने का प्रयास भी किया गया, जिस दौरान गाड़ी सड़क से उतर गई और सड़क किनारे झाड़ी में फंस गई, जिसके बाद वाहन में सवार आरोपी जंगल का सहारा लेकर भागने में सफल हो गया। मौके पर अंग्रेजी शराब बरामद की गई। नगरनार थाने में अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया है। बरामद अवैध अंग्रेजी शराब को परिवहन करने वाले आरोपियों का तलाश किए जाने पर नगरनार पुलिस को तस्करी करने वाले दो आरोपी विवेक सरकार, जो कि जामगुड़ा तहसील एवं थाना उमरकोट जिला नवरंगपुर उड़ीसा का निवासी है, और दूसरा आरोपी सुब्रत मंडल है, जो अम्बेडकर वार्ड दंतेवाड़ा का निवासी है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एक्चुअली थाना नगरनार पुलिस ने दिनांक 18 नवंबर का मामला है, जब चौकावाड़ा के पास रेलवे अड्डे के पास चेकिंग की जा रही थी तो एक स्विफ्ट डिजायर कार पुलिस को देखकर वहाँ से भागने की कोशिश की, जिस पर वाहन चालक का नियंत्रण वाहन से खराब हो गया और जो है गाड़ी सड़क से उतर करके वहाँ नदी झाड़ी में फंस गई, जिसके बाद जो आरोपी थे वो गाड़ी को वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गए।
जिसके बाद वाहन का इंजन नंबर, चेसिस नंबर और नंबर प्लेट के बेसिस पर मिलान करके वाहन स्वामी तक पहुंचा गया, जो वाहन सुब्रतो मंडल की पत्नी के नाम से था और उस दिन वही वाहन को चला रहा था। सुब्रत मंडल को पकड़ा गया, फिर उससे पूछा गया कि और कौन व्यक्ति थे जो साथ में शराब की तस्करी कर रहे थे। तो उसने बताया कि उसका एक जीजा है विवेक सरकार, जो उसके साथ था और नौरंगपुर उड़ीसा का रहने वाला है। उसके निशानदेही के साथ हम विवेक सरकार को भी पकड़े। इस तरह इन दोनों आरोपियों को पकड़कर धारा 34 को आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिनके पश्चात उन्हें जेल निरुद्ध कराया गया। इस प्रकरण में कुल लगभग 210 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब और बियर जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 40,000 रुपये आंकी गई है। सर, ये अपराधी जो है कहाँ से कहाँ के और कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे, ये क्या कहना है इनका? सुब्रत मंडल दंतेवाड़ा का रहने वाला है और विवेक सरकार उड़ीसा का रहने वाला है। रिश्ते में दोनों जीजा सादात रखते हैं। ये ही उड़ीसा जो दनपुंजी के सटे हुए जो उड़ीसा में एक बियर का शराब का दुकान है, वहाँ से इन्होंने शराब की परचेजिंग की थी। और ये फिर दनपुंजी नाका से बचने के लिए देवरा मंदिर से होते हुए चौकावड़ा वाला रास्ता को अपना रहे और फिर इनको प्लान था दंतेवाड़ा जाने का, और वहाँ के बाद ये शराब दंतेवाड़ा या फिर उड़ीसा भी ले जा सकता था विवेक सरकार। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज के मुख्य समाचार। नक्सलियों के प्रेशर आईडी बम की चपेट में आने से दो जवान हुए घायल, बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर। देवउठनी एकादशी पर बाजार पटा गन्नों से, गुरुवार 23 नवंबर को शुरू हो जाएंगे सभी शुभ कार्य। कार में भारी मात्रा में अवैध रूप से शराब का परिवहन करते दो आरोपी गिरफ्तार, हजारों रुपए के अंग्रेजी शराब किए गए बरामद। और मोतियाबिंद से निजात दिलाने जिले भर में चलाए जाएंगे विशेष अभियान। बस्तर की बात में आज बस इतना ही, कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय VD फार्मास्यूटिकल्स, जर्नी टूवर्ड्स हेल्थ।